आज मैं बनाई हूँ सरसों वाली भिंडी कड़ी। देख सकते हैं कितना टैम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है। आई एम श्योर कि आप सभी को ये रेसिपी पसंद आने वाला है। जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों वाली भिंडी कड़ी बिहारी स्टाइल में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ले ली हूँ, इसे मैं अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ ली हूँ और मैं इसे कट कर ली हूँ। इसे आगे और पीछे बीच में थोड़ा सा कट कर दी हूँ कि जब मैं इसे ग्रेवी में डालूंगी तो इसके अंदर रस अच्छे से जाए, मसाले अच्छे से जाए, इसलिए मैं इसे बीच में इस तरह से कट कर ली हूँ, देख सकते हैं। और अगर भिंडी बड़ा है तो उसे दो टुकड़ों में कट करके इस तरह से बीच में कट लगा देना है और इस तरह से। और अगर भिंडी छोटा है तो बस उसे आगे पीछे से कट करके बीच में हल्का सा कट लगा देना है। तो यहाँ पे हमारा भिंडी रेडी है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक कढ़ाई हूँ, इसमें मैं 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दी हूँ। आप चाहे तो थोड़े कम तेल का यूज़ कर सकते हैं। और तेल को थोड़े से यहाँ पे गर्म कर लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी भिंडी। तो सारे भिंडी को मैं इसमें डाल दूँगी और 80 to 90% यहाँ पे मैं कुक कर लूँगी ताकि भिंडी स्टिकी ना हो। देख सकते हैं यहाँ पे भिंडी फ्राई होके रेडी है। अब मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। मैं मिक्सी जार ली हूँ, इसमें एक मिडिल साइज का टमाटर रफली चॉप करके डाल दी हूँ और इसमें मैं डालूँगी 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। देख सकते हैं अब मैं इसमें डालूँगी सरसों, मस्टर्ड सीड्स, मैं पीली वाली सरसों ली हूँ यहाँ पे, मैं 4 छोटी चम्मच इसमें डाल दूँगी। इसमें मैं थोड़े से पानी डाल दूँगी, थोड़े से पानी डालना है और मैं इसे इसका ढक्कन बंद करके और मैं इसे अब टर्न कर मैं दूँगी। फिर से उसी कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच तेल ऐड कर दी हूँ और इसमें सरसों के दाने मैं डाल दूँ 1 छोटी चम्मच। ये थोड़े से पक जाएंगे, इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्यूरी जो हमने रेडी की है, टमाटर, सरसों और लहसुन का मैं इसमें डाल दी। अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस डाल दूँगी, इसमें 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 2 छोटी चम्मच और 1 छोटी चम्मच मैं काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और मैं लास्ट में ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 बड़े चम्मच। इसे हाथों से क्रश करके ऐड कर देना है। देख सकते हैं मैं ऐड कर दी हूँ और मैं इसके बाद इसे अच्छे से भून लूँगी। कोई भी सरसों वाली ग्रेवी में आप कसूरी मेथी ऐड करेंगे तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, आप ट्राई करें इसे। जब तक ये इसमें ऑयल जो है वो रिलीज ना होने लगे, कढ़ाई को ही मसाला छोड़ने ना लगे, तब तक मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। ये हमारा मसाला भून के रेडी है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, आप पानी अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, आपको ग्रेवी जितना थिक या पतला रखना है। मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दी हूँ और मैं इसे 1 उबाल आने तक पका लूँगी। देख सकते हैं 1 बॉयल आ गया है। यहाँ पे मैं फ्राइड भिंडी डाल दूँगी और इसे मैं 5 मिनट तक पकाऊँगी बिना ढके। ढकने से जो भिंडी है वो हमारा स्टिकी हो जाएगा, इसलिए हमें बिना ढके इसे 5 मिनट तक पकाना है, फिर हमारा सब्जी बन के रेडी हो जाएगा। फिर इसे आप गर्मा गर्म रोटी राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। ये मेरा फेवरेट सब्जी है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। हमारा सब्जी रेडी है, अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। अगर ये रेसिपी पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।